देखिएगा मैं एक और दिखा रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 17, इलस्ट्रेशन नंबर 17 का मैं बता रहा हूँ पॉइंट नंबर बी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 17 का पॉइंट नंबर बी देख रहे हैं, गुड्स अमाउंटेड टू 660 सोल्ड टू डब्ल्यू, डब्ल्यू का माल बेचा तो डब्ल्यू अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने रुपए की सेल हुई है 660 की, ठीक है ये इसकी सही एंट्री है। वर करेक्टली एंटर्ड इन सेल बुक का सेल में तो सही लिख दी, बट पोस्टेड टू डब्ल्यू अकाउंट 760, पर डब्ल्यू के अकाउंट में 660 की जगह हमने डब्ल्यू में लिख दिया 760, किया डेबिट ही है 760 डेबिट कर दिया। तो अभी तक तो यहीं तक पढ़े, तो पहली बात तो W को आपको डेबिट 660 से ही करना था, 660 से आपने 760 से डेबिट कर दिया, इसका तो आपने डेबिट ज़्यादा कर दिया, तो आप W को क्रेडिट करो 100 रुपये, जिससे वो 100 रुपये कम हो जाए, अब 660 हो गया। और कोई गलती है नहीं डेबिट में, दैट्स वाई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू W 100 रुपये, इससे इतना तो सुधर गया। आगे लिखा है द टोटल ऑफ सेल फॉर द मंथ वॉज ओवरकास्ट, कहते सेल को आपने ज़्यादा लिख दिया 1000 से, तो सेल तो हमेशा क्रेडिट होती है, और आपने क्रेडिट ज़्यादा कर दिया तो उसको कम करने के लिए क्या करो, डेबिट कर दो सेल अकाउंट डेबिट, बस यही गलती थी, टू सस्पेंस 1000 रुपये, ये अलग ट्रांजेक्शन, ये अलग है, ये अलग है, दो अलग अलग ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो 17 में तो और कुछ खास नहीं है, आगे चलें इलस्ट्रेशन 18 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 18 का फर्स्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छे ट्रांजेक्शन में आता है ये आपका, लिखा है परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर 5000 एंड वेजेस 2000 हैड बीन यूज्ड इन मेकिंग ऑफ टूल एंड इम्प्लीमेंट। इसको थोड़ा सा इजी करके बताता हूँ, जब आपने मटेरियल खरीदा होगा तो आपने एंट्री क्या की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 5000, ऐसे ही जब आपने वेजेस पे की होगी तो आपने एंट्री क्या की होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 2000, यही एंट्री की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आपने इसी चीज से एक एंट्री अपनी एसेट्स बना ली, टूल एंड इम्प्लीमेंट्स, तो एसेट्स आपके पास आ रही है, टूल एंड इम्प्लीमेंट्स अकाउंट डेबिट टू इस परचेज का यूज किया तो ये अब क्रेडिट हो जाएगा, और इस वेजेस का यूज किया तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा, सही है। 5000 की परचेज, परचेज की जगह मटेरियल भी लिख सकते हैं, और 2000 की वेजेस, कुल मिला के टूल एंड इम्प्लीमेंट्स कितने का बना 7000 का। तो करेक्ट रेक्टिफाइड जो करेक्ट एंट्री है वो क्या हुई, टूल एंड इम्प्लीमेंट्स अकाउंट डेबिट 7000, टू परचेज 5000, टू वेजेस 2000, सही है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, कई स्कूलों के एग्जाम में आ चुका है, इसको बहुत ध्यान से करिएगा। आगे देखें इसी का पॉइंट नंबर 4 लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 18 का क्या कहते हैं इसमें आपको देखें, अ चेक ऑफ 500 रिसीव फ्रॉम अशोक, अशोक से जब चेक मिला होगा वो मान लेते हैं बैंक में सेम डे जमा करा दिया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक 500, ये चेक की एंट्री हुई होगी, हैज बीन पोस्टेड टू द, ये डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया तो इसकी रिवर्स एंट्री होनी चाहिए थी, तो एंट्री होनी चाहिए थी अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक 500 रुपीज, तो डिसऑनर की ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन गलती से हमने इसको डेबिट जो है वो किसको कर दिया, हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, अब क्या सोच के किया पता नहीं, पर हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया 500 से, ये हमारी गलती होगी। डेबिट करना किसको था, अशोक को, हमने डेबिट कर दिया सेल्स रिटर्न को, तो अशोक को डेबिट करना था, अशोक को डेबिट करें 500 से, सेल्स रिटर्न जिसको डेबिट नहीं करना था उसको क्रेडिट कर दें, तो टू सेल रिटर्न 500, तो रेक्टिफाइड एंट्री हो गई, ये रेक्टिफाइड एंट्री हो गई, क्या, अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न अकाउंट, ठीक है। इसी का एक पॉइंट नंबर 6 है, ये भी बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन है, काफी बड़ा ट्रांजेक्शन है, एक दो बार एग्जाम में आ भी चुका है, क्या, देयर वर 3 कॉम्पनसेटरी एरर, तो 3 एरर है उनको कंबाइन करके आपको बनाना है, कॉम्पनसेटरी एरर है, तो कैसे, परचेज रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट, यानी परचेज को हमेशा डेबिट करते हैं, परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न है सॉरी, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हैं, परचेज रिटर्न क्रेडिट ज्यादा हो गया 100 रुपये से, तो अब उसको कम करने के लिए क्या करो, डेबिट करो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, और तो कोई गलती बताई नहीं है, कितने रुपये 100 रुपये, एक गलती तो ये एक ही है ना, ये पॉइंट हुआ है अपना। बी में क्या कहा, डिस्काउंट अलाउड टू महेश, कहता है डिस्काउंट अलाउड किया महेश को, इसकी सही एंट्री होनी चाहिए थी डिस्काउंट टू महेश, कहता है इसको डिस्काउंट में लिखा ही नहीं, तो अब लिख दो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, किस में नहीं लिखा था, नॉट बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट, डिस्काउंट में नहीं लिखा था, महेश में तो लिख ही दिया था, तो डिस्काउंट टू सस्पेंस, डिस्काउंट में नहीं लिखा था, डिस्काउंट में लिख दिया। पॉइंट नंबर सी, द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ द सेल बुक
वॉज कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज 680। कहते हैं सेल बुक का एक पेज का टोटल 680 ले गए, जबकि ले जाना 860 था, यानी हम कम करके ले गए, उसको कम करके 680 ले गए, यानी 180 रुपये कम ले गए। तो सेल जो है वो क्रेडिट तो हुई लेकिन 180 से कम हुई, तो अब सेल को 180 रुपये से और क्रेडिट कर दो, और डेबिट में कोई गलती हुई नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 180, तो एंट्री हुई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल। अब इन तीनों एंट्रीज को कंबाइन करना है, परचेज रिटर्न डेबिट करना है 100 से, डिस्काउंट डेबिट करना है 80 से, वो तो सस्पेंस है, और सेल को क्रेडिट करना है 180 से। ये लो जी, इसकी कंबाइंड एंट्री हो गई, कॉम्पनसेटिंग एरर एंट्री हो गई, इन तीनों एंट्रीज को कंबाइंड जो है अपन ने कर दिया। तो ये ट्रांजेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा किस टाइप का ट्रांजेक्शन जो है वो किस तरीके से होता है। सही, एक और देखें, इलस्ट्रेशन नंबर 19। इलस्ट्रेशन नंबर 19 का हम लेंगे पॉइंट नंबर थर्ड। क्या कहता है, गुड्स सोल्ड टू एक्स एंड वाई 1600 एंड 1200, यानी माल बेचा है तो एक्स को डेबिट किया 1600 से, वाई को माल बेचा 1200 का, तो वाई डेबिट 1200 रुपये, टू सेल 2800। ये सही एंट्री इसकी होनी चाहिए, ये इसकी सही एंट्री होनी चाहिए। हमने क्या किया, बट वर रिकॉर्डेड इन द सेल बुक, लेकिन हमने गलती से जब सेल रिकॉर्ड की तो एक्स को 1200 ही लिखा, एक्स को लिखना 1600 था, हमने 1200 लिखा, और वाई को 1600 लिख दिया, उल्टे लिख दिया अमाउंट। तो इसका मतलब एक्स और वाई दोनों में हमने अमाउंट क्या कर दिया, गलत कर दिया। सेल में कुछ नहीं गए तो क्यों, टोटल तो 2800 ही बैठा होगा ना, सेल तो 2800 की है, उसमें कोई गलती नहीं। नाउ एक्स को डेबिट करना था 1600 से, हमने गलती से 1200 से ही डेबिट किया, तो 400 से और डेबिट कर दो, और वाई जिसको डेबिट 1200 करना था, हमने गलती से ज्यादा 1600 डेबिट कर दिया, कम करने के लिए वाई को क्रेडिट कर दो 400 रुपये। रेक्टिफाइड एंट्री हो गई, एक्स डेबिट 400 टू वाई 400। इस तरीके से ये एंट्री आपने सुधार ली, ठीक है। इसी का एक पॉइंट नंबर 6 भी देखते हैं। A sum of 375 owed by Shri Ravi has been included in the list of creditor. Owed का मतलब है कि वो हमारा debtor है, रवि debtor की लिस्ट में आना चाहिए था, गलती से हमने creditors में credit कर दिया, तो उसको लेना चाहिए था sundry debtors की लिस्ट में 375, हमने गलती से उसको sundry creditors की लिस्ट में ले लिया 375, तो अब rectified entry क्या होगी, sundry debtor में तो उसको लिखना चाहिए, creditor में credit कर दिया जो कि गलत credit कर दिया, वो creditor था ही नहीं, उसको भी डेबिट कर दो, कैंसिल हो गया, क्रेडिट में कोई गलती हुई नहीं है, तो टू सस्पेंस जो है 750, ये इसकी रेक्टिफाइड एंट्री आपकी हो जाएगी। संडी डेटर अकाउंट डेबिट 375, संडी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 375, टू सस्पेंस 750। ओके, और देखें इलस्ट्रेशन नंबर 20 में कुछ अच्छे ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन नंबर ए, अमाउंट पेएबल टू गोविंदराम फॉर रिपेयर, गोविंदराम से कोई रिपेयर कराई है हमने, तो रिपेयर हमारा खर्चा है, डेबिट होना चाहिए, रिपेयर अकाउंट डेबिट 1500, एंड रेडियो सप्लाइड, उससे रेडियो भी खरीदा तो रेडियो भी डेबिट होना चाहिए, रेडियो अकाउंट डेबिट 9500। किससे करवाया, गोविंदराम से, टू गोविंदराम, कितने रुपये, ये दोनों का टोटल हो गया 11000। ये आपकी सही एंट्री होनी चाहिए थी। Were entered in purchase book 10000, आपने उसको परचेज बुक में लिख दिया, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद राम कर दिया, कितने रुपए 10000 से, तो ये गलत एंट्री है। पहली बात तो हमको रिपेयर को डेबिट करना चाहिए था, रेडियो को डेबिट करना चाहिए था, हमने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफाइड एंट्री कैसे करेंगे, रिपेयर जिसको डेबिट करना है, रिपेयर अकाउंट डेबिट कितने रुपए 1500, रेडियो को भी डेबिट करना था उसको भी डेबिट कर दो, रेडियो अकाउंट डेबिट 9500, गोविंद राम को क्रेडिट करना था 11000 से, लेकिन ध्यान से देखो गलत एंट्री में भी आपने गोविंद राम को 10000 क्रेडिट ही किया, और हमें क्रेडिट ही करना था, लेकिन करना 11000 से था, हमने अभी तक क्रेडिट 10000 से ही किया है, तो 1000 का क्रेडिट और करना चाहिए, तो लिखो टू गोविंद राम 1000 रुपए की क्रेडिट उसको दे दी, और परचेज जिसको 10000 डेबिट कर दिया उसको तो डेबिट करना ही नहीं था, परचेज को गलती से डेबिट कर दिया है, उसको कैंसिल करने के लिए परचेज को क्रेडिट कर दें 10000 रुपये से। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, इन दोनों को डेबिट करना था कर दिया, गोविंद राम को 11000 से क्रेडिट करना था, 10 से कर चुके थे तो 1000 से और क्रेडिट कर दिया, परचेज जिसको डेबिट नहीं करना था उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दिया, इससे परचेज क्या हो गई, कैंसिल हो गई।
पॉइंट नंबर बी देखें, एन आइटम ऑफ 500 रिलेटिंग टू प्रीपेड इंश्योरेंस, कोई प्रीपेड इंश्योरेंस का आइटम था, वॉज ऑमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड, उसको हम आगे लाना ही भूल गए, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि हमारी एसेट थी जिसको डेबिट करना चाहिए था, हमने उसको डेबिट किया नहीं, तो अब डेबिट कर दो, बस यही गलती है और कोई गलती है नहीं। टू सस्पेंस अकाउंट कितने रुपये, 5000 रुपीज। पॉइंट नंबर सी में देखिए, ए डिस्काउंट ऑफ 581 अलाउड टू कस्टमर, यानी डिस्काउंट अलाउड किया है, आपका नुकसान है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 581 होना चाहिए था। देखो सही एंट्री तो आपको अच्छे से आनी चाहिए, जर्नल तो आपका मजबूत होना चाहिए कि डिस्काउंट अलाउड किया तो एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम, कस्टमर का जब हमने अकाउंट बनाया तो हमने उसको क्रेडिट किया 562, जबकि क्रेडिट कितना करना था 581, हमने 562 ही क्रेडिट किया, क्रेडिट 581 क्रेडिट करना चाहिए था ना, हमने 562 ही क्रेडिट किया, तो हमने कम क्रेडिट किया, हमने कितना कम क्रेडिट किया 90, तो 19 और क्रेडिट करना चाहिए किसको, कस्टमर को, तो कस्टमर को क्रेडिट करना चाहिए 19, डेबिट में कोई गलती है नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 19 रुपए से आपकी एंट्री हो जाएगी। आगे चले पॉइंट नंबर एफ देखें, पॉइंट नंबर एफ में कहता है फर्नीचर अमाउंटेड टू 6500 परचेज ऑन क्रेडिट, फर्नीचर हमने क्रेडिट पे परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, किससे किया, क्वालिटी फर्नीचर से, तो टू क्वालिटी फर्नीचर 6500, ये इसकी सही एंट्री 6500 की होगी। एन एंट्री ऑफ 5600 वाज पास थ्रू द परचेज बुक, हमने गलती से जो रॉन्ग एंट्री की उसमें हमने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्वालिटी फर्नीचर और वो भी 5600, पहली बात है परचेज थी नहीं, ये तो गुड्स थोड़ा ना खरीदे हमने, तो फर्नीचर खरीदे, और फर्नीचर हमारी एसेट है तो नाम से डेबिट होना चाहिए, तो पहली बात तो रेक्टिफाइड एंट्री में फर्नीचर को डेबिट करना पड़ेगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6500। अच्छा परचेज को डेबिट करना ही नहीं था तो उसको क्रेडिट कर दो, टू परचेज 5600, ये कैंसिल हो गया। क्वालिटी फर्नीचर को क्रेडिट करना था 6500 से, उसमें हमने गलत एंट्री में भी क्रेडिट तो किया है 5600, पर करना 6500 से था तो 900 रुपये और क्रेडिट कर दो, लिखो टू क्वालिटी फर्नीचर 900 रुपये, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6500, टू क्वालिटी फर्नीचर 900, टू 5600। और इसका जो पॉइंट नंबर जी है वो थोड़ा अलग है, लिखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अचानक आ गया तो आपको आएगा इंसान में, रेस्ट ऑफ द डिफरेंस वाज ड्यू टू द रॉन्ग टोटल इन द सेल बुक, कहता है अब यदि सस्पेंस अकाउंट में कोई गलती है ना, ये सस्पेंस अकाउंट है, इसमें यदि कोई गलती है तो सेल अकाउंट के कारण है, तो अब ऐसा ट्रांजेक्शन अलग तरीके से होता है। पहले तो देखिए क्वेश्चन के फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है अ लेजर कीपर कुड नॉट एग्री द ट्रायल बैलेंस, ही ट्रांसफर्ड एन अमाउंट ऑफ 1859 बीइंग द एक्सेस ऑफ डेबिट साइड, डेबिट साइड ज़्यादा थी 1859, तो अपन ने ट्रायल बैलेंस में इसको कहाँ लिखा होगा, देखो ये कहना चाहता है कि ये आपकी ट्रायल बैलेंस है और ट्रायल बैलेंस की जो क्रेडिट साइड थी वो 1859 ज़्यादा थी, तो बराबर करने के लिए डेबिट में भी कितना लिखा होगा 1859, तो ये सस्पेंस अकाउंट आपने डेबिट में लिखा होगा। उसने कहा एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड, एक्सेस ऑफ द डेबिट साइड, सॉरी एक्सेस ऑफ डेबिट साइड है, तो इसका मतलब डेबिट साइड ज़्यादा थी, बराबर करने के लिए आपने क्रेडिट में सस्पेंस लिखा होगा, है ना, क्या लिखा है एक्सेस और डेबिट साइड, यानी डेबिट साइड ज्यादा है तो बराबर करने के लिए सस्पेंस कहां लिखा होगा, क्रेडिट साइड में, तो सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वहां हम लिखेंगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 1859, ये दे रखा है आपको। अब हर जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करो, एंट्री नंबर 1 है देखो, उसमें तो सस्पेंस कहीं आया नहीं, पोस्टिंग नहीं होगी। एंट्री नंबर 2 में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 5000। एंट्री नंबर सी में सस्पेंस डेबिट हुआ है तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे 19। एंट्री नंबर डी में सस्पेंस आया ही नहीं, एंट्री नंबर ई में सस्पेंस भी डेबिट हुआ 2500 से तो डेबिट साइड में लिखेंगे 2500। एंट्री नंबर एफ में सस्पेंस आया ही नहीं, अब हम देखेंगे कि कौन सी साइड ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल है 6859, तो डेबिट का भी टोटल 6859 आना चाहिए, तो डिफरेंस आ रहा है 4340। कहता है ये जो डिफरेंस है ये सेल अकाउंट के कारण है, ऐसा पॉइंट नंबर जी के अंदर लिखा है। पॉइंट नंबर जी में क्या लिखा है, रेस्ट ऑफ द डिफरेंस वाज ड्यू टू द रॉन्ग टोटल इन द सेल, ये सेल के कारण है तो हमने इसको सेल में ही डाल दिया। एंट्री क्या बनी, एंट्री बनी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल
सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल 4340। तो ये एंट्री थोड़ी टफ है, इसको लेजर बना के किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक के जो इलस्ट्रेशन है जो उनको एक बार आप पूरे कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के जो इलस्ट्रेशन है वो आपको समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।